अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। आज बेहद यमी सा डेज़र्ट शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि पूरी फैमिली को ये डेज़र्ट पसंद आएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक। यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, आप चाहें तो कोई दूसरे क्रीम बिस्किट भी ले सकते हैं। और अब हमें इसे निकाल लेना है, एक बाउल में इन बिस्किट्स को हमें ट्रांसफ़र करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज मिलती रहेंगी फ्री में। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट निकाल लिया है और अब हमें इसकी क्रीम को सेपरेट कर लेना है। तो आप चाहें तो स्पून से या नाइफ से इसको स्क्रैप कर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को भी निकाल लिया है और इन बिस्किट्स को अब हमें तोड़ लेना है, या तो आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं। तो बिस्किट्स को भी क्रश कर लिया है और अब हमें चाहिए हल्का सा गर्म दूध, और अब दूध को इस बिस्किट के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म दूध इसलिए लेंगे ताकि ये बिस्किट जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएं, मेल्ट हो जाएं और क्रीमी चॉकलेटी टेक्सचर आ जाए इस बिस्किट का। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बहुत यमी लग रहा है हमने चॉकलेट लिया है यहाँ पर। और अब हमने जो क्रीम सेपरेट किया था ना, उसको भी ले लेंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा गरम दूध डालेंगे 2 चम्मच के करीब, और इसको भी हमें मेल्ट कर लेना है, डिसॉल्व कर लेंगे इस क्रीम को। और अब क्या करना है, यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच हमें डालना है इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा, इस क्रीम का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दूसरी चीज़ क्या होगी कि इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी भी इसकी बढ़ गई है। और अब मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मिल्क पाउडर को और मेल्ट कर लिया है क्रीम को। अब हमें इस डेज़र्ट को असेंबल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ग्लास लिए हैं और इसमें सबसे पहले बिस्किट का मिक्सचर डालेंगे इस तरह से, और लेवल कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा ऊपर खाली रखेंगे स्पेस, और इसको सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं ये, और फिर 15 मिनट के बाद हम इसके ऊपर जो मेल्टेड क्रीम थी ना वो डालेंगे। तो वाइट मिक्सचर भी अच्छी तरह से लेवल कर देंगे इस तरह से, और आप चाहें तो किसी एक ही बर्तन में इसको असेंबल कर सकते हैं, रख सकते हैं, चाहें तो इसको अलग अलग भी इस तरह से डिश आउट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो इसकी गार्निशिंग मैंने ओरियो बिस्किट से ही किया है, आप चाहें तो चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। और इसको भी ठंडा कर लिया था 10 से 15 मिनट के लिए ताकि क्रीम भी सेट हो जाए अच्छे से, और अब ये हमारा बेहद यमी सा डेज़र्ट रेडी हो चुका है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कोई महंगा सा डेज़र्ट बनाया है हमने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।